नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जयपुर भाजपा के मीडिया सेंटर में, जहां पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। इवन मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जहां करोड़ों रुपया मिलता है और सोने के बिस्किट मिलते हैं, इससे स्पष्ट है कि सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी बिल में छुपे हों उनको सजा दिलाने का काम करेगी। एक पक्ष ये और दूसरा पक्ष ये कि जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है क्या, आज इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इनका असली चेहरा सामने लाकर खड़ा कर दिया। गांधी परिवार के नजदीक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने इनकी हकीकत, इनका असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का, जो कहीं कहीं इनकी हरकतें करतूतें तो पिछले 5 वर्ष में देश ने देखी है, प्रदेश ने देखी है, लेकिन अब राजस्थान में भी इनकी हकीकत सामने आ गई कि किस प्रकार से इनका घिनौना चेहरा। और जब ध्यान में आता है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम दरबार को तोड़ा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, और दूसरी तरफ देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर की शिला रखते हैं, शिला पूजन करते हैं। ये सच्चे सनातनी को ही प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम इस प्रकार का सौभाग्य देते हैं और कैलेंडर बदलते अगले वर्ष देश से दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनेगा और दर्शन होंगे, प्रभु श्री राम लला उस दिन विराजेंगे। यह अंतर देश प्रदेश की जनता देख रही है कि जिन्होंने शिव मंदिर को तोड़ा राजस्थान में, दूसरा अंतर जनता देख रही है कि कैसे चाहे उज्जैन महाकाल हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीधाम हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, कैसे शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार और उनका डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान में चाहे श्रीनाथ जी हो, सांवरिया जी हो, गोविंद देव जी हो, मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने पहली बार पैसा दिया, तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को इन माइनिंग माफियों ने खोद डाला। ये अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है और आज उसका सच उजागर प्रमोद कृष्ण जी ने कर दिया कि किस प्रकार से एक नहीं अनेक काम ऐसे जिन्होंने हिंदू विरोधी होने के प्रमाण उन्होंने दिए और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी इस दिशा में चल रही है। आज जिस प्रकार से 3 गायों की हत्या हो गई, कहीं पलायन हो रहा है, किसी विधानसभा में तो 2 राहगीर अगर बिना हेलमेट के निकल जाए तो चालान बन जाता है, और 3 विधानसभा ऐसी है जहां 5-5 लटक के जाए तो पुलिस उनका चालान नहीं बना सकती। ये कहीं कहीं तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है और राजस्थान की जनता इस प्रकार के तुष्टिकरण को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि राजस्थान हमारे हाथ से गया और राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट रूप से वो किस मुंह से आए जो वादे करके गए थे उसको हम यहाँ की सरकार अमल में पूरा नहीं कर पाई और यही कारण है कि आज इनका कोई इनके युवराज यहाँ राजस्थान आने को तैयार नहीं। जो जय वीरू की जोड़ी पिछले चुनाव में एक मोटरसाइकिल पर घूमती थी, एक बाइक पर घूमती है थी, आज कहीं कहीं एक दूसरे में दूरियां साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है।
तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है और जिस प्रकार का विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में है और जिस प्रकार का धोखा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। बस यही आप सब लोगों के बीच में चर्चा करनी थी। आप सब लोग आए, पुनः आप सबको इस पावन त्यौहार की अपनी ओर से दीपोत्सव के आज धनतेरस से लेकर पांचों दिन जो हमारी दिवाली, चूंकि राजस्थान की जनता भी इस बार दिवाली तीन मनाएगी, एक दिवाली मनाएगी 12 तारीख को, दूसरी दिवाली मनाएगी 3 दिसंबर को और तीसरी दिवाली मनाएगी 22 जनवरी को जब श्री राम लला अयोध्या में विराजमान होंगे, ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे चुनावी मौसम में जाहिर तौर पर जो भी बातें कही गई होंगी, सियासी कही गई होंगी, अपनी तरफ से उन्होंने अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि बीजेपी क्या करना चाहती है और कांग्रेस क्या कर रही है। और आइए अब खबरें धनतेरस की। रोशनी किस तरह से आज शुरू हुई है शहर में, दीपोत्सव की आज जो शुरुआत हुई है, सजावट की जा रही है, अलग अलग तरीके से शहर को सजाया गया है। जयपुर शहर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जयपुर का ये जो इलाका है, यहाँ पर चंद्रयान 3 अभियान की भी झलक इसमें देखने को मिल रही है, जहां पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग मॉडल सजाए गए हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करता हुआ चंद्रयान और वो PSLV जिसके जरिए चंद्रयान को भेजा गया था, उनको यह मॉडल के तौर पर सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से शहर की अलग ही छटा नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपोत्सव की शुरुआत आज से जो हुई है कोरोना के बाद, हालांकि पिछली बार वो जो दिवाली थी थोड़ी सी कमी वहाँ पर इस वजह से थी क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का असर न सिर्फ फाइनेंशियल भी बल्कि तबीयत के नज़रिए से देखा जाए तो देखा गया था, लेकिन अब वो असर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत इस वक्त जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में बने हुए हैं। जो तस्वीरें उन्होंने भेजी वो देखा आपने। सुदर्शन, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बधाई। आज का जो माहौल है, ये 2 साल का जो भी पीरियड रहा कोरोना का, उसके बाद पिछले साल हालांकि थोड़ा बहुत दिवाली को लेकर उत्साह नजर आया, लेकिन पूरी तरह से चूंकि कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ था और जो एक ये कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो क्राइसिस था उससे भी पूरी तरह से लोग उबर नहीं पाए थे, लेकिन इस बार पूरा असर इनका खत्म हो चुका है, न सिर्फ कोरोना का भी बल्कि जो क्राइसिस था उसका भी असर खत्म हुआ है। तो पूरा जोश लोगों में देखा जा रहा है, किस तरह की रौनक नजर आ रही है आज दीपोत्सव के पहले दिन। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, आपको भी धनतेरस की बधाई और हमारे तमाम दर्शकों को भी धनतेरस और 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की बधाई। इस समय हम त्रिपोलिया बाजार में मौजूद हैं और जिस तरीके से कहते हैं कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें बोलती है, पहले मैं हमारे जो कैमरा साथी है श्याम शर्मा उनसे कहूँगा कि वो उस तस्वीर को दिखाएं, उस झांकी को दिखाएं जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डॉक्टर प्रभात, ये चंद्रयान का यहाँ पर कंसेप्ट लिया गया है जिसमें बाकायदा यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रयान को लॉन्च किया गया था और उसके बाद अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद जो तस्वीरें थी उसको यहाँ पर लोगों के सामने रखा गया है। साथ साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपोलिया का जो गेट है, शहर का प्राचीन मशहूर, वो यहाँ पर आकर्षक सजा हुआ है। सरगा सूली है, बाजार पूरा जो आकर्षक सजा हुआ है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्विच ऑन किया गया था, अगर हम बात करें राज परिवार के सदस्य पद्माव सिंह उनकी तरफ से और इसके अलावा जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, एमआई रोड व्यापार मंडल के सुरेश सैनी हैं, इसके अलावा 4D के अध्यक्ष है यहाँ पर अरुण अग्रवाल, जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी।
और अगर हम इनसे जानना चाहें किस तरह की यहाँ पर सजावट की गई है, आपसे जाने इस बार क्या कुछ खास है यहाँ पर? देखिए, ऐतिहासिक सजावट जिसकी शुरुआत आज अपन ने सिटी पैलेस से की है। जहाँ तक जयपुर का सवाल है, चार दीवारी सबसे अलग अपना महत्व रखती है। छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक और त्रिपोलिया बाजार प्लस चौड़ा रास्ता जिस तरह से सजावट की है, एक रूपता में जयपुर शहर को परोया हुआ है। शानदार लाइटिंग है, नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, नई झांकियाँ दिख रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महाराजा साहब ने यहाँ पदम जी ने स्वागत किया है, सवाई जी ने, उसके साथ साथ में यहाँ जयपुर की वो सख्त सब्सिडियाँ हैं जो जयपुर व्यापार महासंघ, जयपुर व्यापार मंडल और सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और व्यापार मंडलों की तरफ से ही ये सजावट की जाती है। फोर्टी के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, आपसे जाने किस तरह की सजावट हुई और इस बार क्या खास है? देखिए, इस बार की सजावट हर साल कुछ न कुछ नया होता है और इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सजावट को देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड से पर्यटन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और सारे जगमग होती है। व्यापार बढ़ता है इतना ज़्यादा, हर क्षेत्र में व्यापार बढ़ता है। उस चक्कर में यहाँ मैं शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के मार्फत दीपावली की, हम सब व्यापारी को, आम नागरिक को, जनता को ये खुशहाली का त्यौहार खूब संपन्न हो। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम पदाधिकारी अगर आप देखेंगे तो मौजूद है। इनका भी जो फोटो सेशन है, कार्यक्रम है, वो यहाँ पर चल रहा है। आकर्षक सजावट यहाँ पर की गई। अगर हम आपसे जाने किस तरह की सजावट है? देखिए, सजावट हमारे जो संरक्षक है प्रदीप जी मित्तल साहब और राकेश जी गुप्ता चौड़ास्ता व्यापार मंडल के और प्रमुख समाज सेवी है, इन सब के सहयोग से चौड़ा रास्ता जो व्यापार मंडल आज उसने सजावट की है। और ये आप ही देखिए कि जयपुर में जितने भी बाजार है उनसे अलग हटके एक अलग थीम पे चंद्रयान की जैसे और एक अलग सजावट की है और निश्चित ही ये बाजार सबसे प्रथम आएगा। और पूर्ण सहयोग से मैं पूरे जयपुर वासियों को आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बधाई देता हूँ कि 5 दिन के महापर्व को अति उल्लास से सब मनाएं। सर, कोविड रहा 2 साल, ये पहला मौका है जब खुलकर लोग दिवाली मना रहे हैं। खुलकर दिवाली मना रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रदीप जी मित्तल जो इसके आज की अध्यक्षता है, इनके हाथ से स्विच ऑन किया, सौभागमल जी को, विवेक जी को, साथ में आपके विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया के सोमानी जी को और सुरेश जी सैनी जी को, इनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई, पूरी देश की जनता, पूरी जयपुर की जनता को। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करें व्यापार मंडल की ओर से ही ये सजावट की जाती है और क्योंकि 2 साल कोविड का रहा, जिस तरीके से आपने ये बात की थी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें, देखिए ये त्रिपोलिया का गेट है डॉक्टर प्रभात, जो आम जनता के लिए कभी भी नहीं खोला जाता, यह है वो दरवाजा है और यहीं से इसकी शुरुआत की गई है, जो आकर्षक सजावट है। और केवल इतना ही नहीं डॉक्टर प्रभात, हमने देखा था कि MI रोड पे तो यहाँ पर पहले ही शुरुआत हो गई थी, जो कि 8 दिन तक यहाँ पर सजावट की जाएगी कोविड के बाद, जिस तरीके से बाजार खुले और बाजार में मार्केट में पैसा भी आया। और ये देखिए आप कितनी आकर्षक, आपको लगेगा नहीं कि कहीं से भी कि ये नकली चंद्रयान कहीं अंतरिक्ष में जाने को तैयार है, बल्कि आपको लगेगा कि ओरिजिनल ही यहाँ पर ये जो चंद्रयान है वही आपको लगेगा। ये त्रिपोलिया बाजार की तस्वीरें हैं, त्रिपोलिया बाजार में आपको ये तस्वीरें मिलेगी, चौड़ा रास्ता में आपको अलग सजावट मिलेगी और चांदपोल बाजार की बात करें तो वहाँ पर समुद्र मंथन का दृश्य सजाया गया है। प्रभात, बात हो पाए तो हम चाहेंगे कि आप उन लोगों से भी बात करें और बताएं कि उनका क्या कहना है, इस बार वो किस मानस के साथ यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं और इस बार दीपोत्सव मनाने को लेकर किस तरह की तैयारी उन्होंने की है। एक बार सवाल दोहराएंगे डॉक्टर प्रभात जी, सुदर्शन, अगर कुछ लोगों से बात हो पाए जो बाजार में खरीदारी के लिए निकले हुए हैं तो जानना चाहेंगे कि इस बार किस तैयारी के साथ वो बाजार में आए हैं, दीपोत्सव को लेकर कैसा उत्साह उनमें बना हुआ है, कुछ खास अगर इस बार वो करने वाले हैं तो वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों से भी यहाँ पर अगर हम आपसे जानना चाहें कि 2 साल तो कोविड में निकल गए, इस बार अगर हम कहें तो लोगों के पास में बाजार भी खुले हैं, कुछ पैसा भी आया, कैसा उत्साह है लोगों में? बहुत भारी उत्साह है,
लोगों का दिल खुलने लगा है, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में रोशनी हो, खुशियाँ लौट करके आए, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी लोग खुशियों में सरोवर होना चाहते हैं। जी राजेंद्र गुप्ता अध्यक्ष त्रिपुलिया, आज त्रिपुलिया बाजार में इस दीपावली की रोशनी को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान में कभी कोविड आया ही नहीं। लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, लोगों में उमंग है, मार्केट में आ रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, शादी ब्याह की तैयारी हो रही है। इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कभी कोविड आया ही नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जिस तरीके से कहते हैं कि जिंदगी चलते रहने का नाम है, उसी तरह की जो जज्बा है लोगों में वो देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि इस उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद कोविड जयपुर में कभी आया ही नहीं, लेकिन वो एक त्रासदी थी जो हम नहीं भूल सकते। बहरहाल उत्साह भी जरूरी है, उमंग भी जरूरी है डॉक्टर प्रभात। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि जो दिवाली की जो रौनक है वो जिंदगी में भी उसी तरह से उजियाला लेकर आएगी, और जो दौर गुजरा है वो एक सबक तो देकर गया है, लेकिन आने वाले दिन इसी तरह से खुशियों भरे रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दिवस साल के सबसे बड़े पर्व दीपोत्सव की हम बात कर रहे हैं, उल्लास के साथ इस बार 5 दिन के बजाय ये 6 दिन का मनाया जा रहा है। हस्त नक्षत्र अमृत योग में धन त्रयोदशी आज से लेकर 15 नवंबर तक ये मनाई जा रही है, और ऐसे में खरीदारी के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है। बाजार में सजावट को देखने के लिए शहरवासियों की भीड़ उमड़ रही है, और इससे पहले बाजार में साज सजावट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि तिथियों की मांग बढ़ते ही क्रम होने के कारण दीपोत्सव पर्व 6 दिन का होगा, और धनतेरस के निमित्त दीपदान 10 नवंबर को, रूप चतुर्दशी के निमित्त दीपदान 11 नवंबर को, रूप चतुर्दशी का स्नान 12 नवंबर को दिवाली के दिन होगा। धनवंतरी जयंती उदयात तिथि के अनुसार 11 नवंबर को रहेगी। धनतेरस के निमित्त 2 दिन 10 और 11 नवंबर को खरीदारी की जा सकती है। ये पर्व इस बार शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। शुक्रवार को धनतेरस का दिन होना अति शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन आप अपने घर में दोपहर 12 बजे एक नमक खरीदें, और नमक और झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। जरूर आप चांदी सोना भी खरीदें, वस्त्र भी खरीदें, लेकिन नमक और झाड़ू जरूर खरीदें। साथ ही आपको बताएं कि आप चांदी का सिक्का खरीदें, यह ऐश्वर्य में आते हैं। चांदी सोना सब ऐश्वर्य में होता है, वस्तु है, मगर धनतेरस को शुक्रवार का दिन होना माँ लक्ष्मी का दिन है, और एक डिब्बा नमक का भर के रखें और उसका पूजन करके उसको वापस उसमें मिला दें। तो दिवाली करीब आने के साथ ही बाजार में रौनक लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर के सभी कस्बों और शहरों में दीपावली की जो रौनक है उसके दौरान खरीदारी इन दिनों पर वान पर है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि फोर्टी ने अपने सभी जिला और तहसील शाखाओं के माध्यम से व्यापार का डेटा जमा किया है, और इसके मुताबिक नवरात्र से दीपावली और फिर देवउठनी एकादशी तक राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फोर्टी ने इस बार पूरे राजस्थान में सर्वे करवाया, और उस सर्वे के अनुसार तकरीबन देव नवरात्रों से लेकर देव उठानी 11 तक 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस होने की संभावनाएं हैं। पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो ये तकरीबन 20-25% सेल ज़्यादा आ रही है, और इसका एक और मुख्य कारण जो सेल बढ़ने का है वो है ऑनलाइन बिजनेस की बजाय लोगों ने स्थानीय बाज़ार में ज़्यादा प्राथमिकताएँ दी है। हम देख रहे हैं कि स्थानीय बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा है, चाहे बाज़ार हो, गलियाँ हो, दुकानें हो, पिछले सालों के मुकाबले इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आज से दीपावली उत्सव शुरू हो चुका है। धनतेरस आज दोपहर 12:35 से अगले दिन यानी कि कल दोपहर 2 बजे तक रहेगी, और इस कारण धनतेरस की खरीदारी 10 और 11 नवंबर दोनों दिन हो सकती है। आज 4 राजयोग और 1 शुभ योग बन रहा है, और इस तरह 5 शुभ योगों के कारण आज की गई खरीदारी और भी खास रहेगी। शाम को धनवंतरी पूजा और यम दीपदान के लिए 1-1 मुहूर्त होंगे। 11 नवंबर को प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, और इस कारण हर तरह की खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए दोनों दिन शुभ रहेंगे। धनवंतरी के हाथ में सोने का कलश है, इसलिए सोना और बर्तन खरीदने की परंपरा है। विष्णु पुराण के मुताबिक सेहत सबसे बड़ा धन कही गई है, और इसीलिए धनवंतरी की पूजा स्कंद
की जाती है और स्कंद पुराण का यह कहना है कि धनतेरस पर यम के लिए दीप दान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पवित्र शहर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी काफी दिन पहले शुरू हो गई थी। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर दिए सजाने के लिए 25,000 से ज्यादा स्वयंसेवक यहां पर जुटे। सबसे ज्यादा संख्या में दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए इस बार 24 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर दिए सजाने के लिए 25,000 से ज्यादा स्वयंसेवक यहां जुटे हैं। सबसे ज्यादा संख्या में दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए इस बार 24 लाख से ज्यादा दिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रतिवर्ष हम लोग अपना कीर्तिमान बनाने का काम करते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करते हैं। 17 से लगातार उपक्रम कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 17 लाख से अधिक दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। इस बार अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड ही हम तोड़ेंगे और 21 लाख से ज्यादा दिए दीपोत्सव के पावन अवसर पर 11 तारीख को जलते हुए नजर आएंगे। बहुत उत्साह, बच्चों को लग रहा है नया रिकॉर्ड बनेगा, 24 लाख बिछाया जाएगा उसमें जलाना है, रिकॉर्ड 21 लाख का बनना है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं कि इस बार हम लोग 21 लाख दिए का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अवध विश्वविद्यालय के स्वयंसेवक 11 नवंबर को होने वाले भव्य उत्सव की तैयारी के लिए जुटे हैं। जिस हिसाब से अभी 2-3 दिन पहले से देखे वॉलंटियर बराबर हमारे मौजूद हो गए हैं, इस समय आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने वॉलंटियर हैं, उत्साहवर्धन इनके जोश एक अलग रिकॉर्ड बनाने का, साथ साथ अभी जो दिव्य महोत्सव एक तो राम जन्मभूमि का है और ऊपर से दिव्य दीपावली का है, तो आप वॉलंटियर में खुशी देख ही सकते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, राम की जन्मभूमि में अयोध्या में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपोत्सव में शामिल होके। भगवान राम के अभिषेक के लिए दिवाली पर भव्य उत्सव के निर्देश सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आए हैं। इसी के तहत स्वयंसेवकों ने राम की वेदी को सजाने की कोशिशें और तेज कर दी है। अच्छा है, धार्मिक हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं, जो भी आदेश सरकार का होता है शिक्षक होने के नाते हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ की खुशी है कि सबसे बहुत ज़्यादा सुंदर दीपोत्सव देखने को मिलने वाला है, इस चीज़ के भाग बने हैं इसमें और ज़्यादा खुशी है और बहुत एक्साइटेड हैं। दिवाली से एक दिन पहले रिहर्सल भी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।